हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बैंकिंग बंधु। लेकर आ गए हम पंजाब नेशनल बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे लोन्स के लिए जुलाई 2021, लेटेस्ट मंथ के सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं जो पंजाब नेशनल बैंक ऑफर करता है, उन सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम रोज अपने चैनल पर एक ऐसी वीडियो शेयर करते हैं जो आपको आर्थिक फायदा देगी, फाइनेंशियल डिसीजन लेने में आपकी मदद करेगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस मिस ना हो। शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये बात जान लीजिए कि काफी सारे ऐसे लोन प्रोडक्ट्स हैं जो जून 2021 के कंपैरिजन में सस्ते हो गए हैं। सस्ते मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो उन पर वो घटा दिया गया है। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वेवर्स आर नॉट अवेलेबल। वेवर का मतलब बहुत सारी छूट थी जो दी जा रही थी हमारे कस्टमर्स को, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह वो वेव थे। अब वो जो वेव था फीस, वो वेव नहीं है, लेकिन जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए हैं। तो डिस्कस करते हैं लोन प्रोडक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं कार लोन की। दोस्तों, अगर आप जनरल पब्लिक को बिलोंग करते हैं, जनरल पब्लिक का मतलब आप किसी स्पेशल कैटेगरी में नहीं है, तो 7.55 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग हम यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आपका सिबिल स्कोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सिबिल स्कोर। दोस्तों, जितना अच्छा आपका सिबिल स्कोर होगा, उतना ही कम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर होगा। जो हमारे रक्षक अकाउंट्स हैं, रक्षक अकाउंट्स पीएनबी में उनको कहा गया है जो डिफेंस पर्सोनल है, हमारे आर्मी वाले, नेवी वाले, ये वाले जो लोग हैं उनके अकाउंट्स को रक्षक अकाउंट्स कहा गया है। और उसमें स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.30% का। 7.30 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको कार लोन मिल जाएगा पंजाब नेशनल बैंक से। नेक्स्ट है यूज्ड कार लोन। यूज्ड कार लोन मतलब सेकेंड हैंड कार अगर आपको लेनी है, 8.55 से रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग होगी। रक्षक अकाउंट्स के लिए, जो हमारे रक्षक अकाउंट्स हैं उनके लिए 8.30% से स्टार्टिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहेंगे जनरल नॉलेज के लिए कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कैसे होते हैं। तो जब भी बैंक पब्लिक को पैसा देता है, तो बैंक पैसा कहां से लेके आता है? बैंक वो पैसा आरबीआई से लोन लेता है, और आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक को लोन देगा उसे हम कहते हैं आरएलएलआर, रेपो लिंक लेंडिंग रेट। तो सपोज आरबीआई ने बैंक को पैसा दिया 6.80 के दर पे, आरएलएलआर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6.80, 6.80। तो पीएनबी को आरबीआई से 6.80% पे लोन मिला। अब पीएनबी जब आगे अपने कस्टमर्स को देगा, तो वो जाहिर सी बात है कि 6.80 से ज्यादा देगा, 6.80 या 6.80 से ज्यादा, लॉस पे कभी नहीं देगा। तो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट, बेंचमार्क रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6.80 है, बैंक इससे नीचे लोन नहीं देगा। हम बार बार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीएनबी प्राइड। तो प्राइड का मतलब समझ लीजिए, प्राइड उन कस्टमर्स को कहा गया है जो कि परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री पर्सोनल, पेंशनर्स या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 0.05% का कंसेशन मिलेगा जितनी भी महिलाएं हैं, जो महिलाएं लोन ले रही हैं उनको हर लोन प्रोडक्ट में 0.05% का कंसेशन मिलेगा, एक्सेप्ट सीआरई कैटेगरी। सीआरई का मतलब होता है कमर्शियल रियल एस्टेट। जब आप तीसरा या चौथा होम लोन लेते हैं तो उसे सीआरई कैटेगरी कहते हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट, उसमें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। उसके अलावा जितने भी लोन प्रोडक्ट्स हैं उसमें 0.05% का कंसेशन मिलेगा महिलाओं को। होम लोन कस्टमर्स ध्यान दें, अगर आपका कमर्शियल रियल एस्टेट की कैटेगरी में जो लोन है वो है एप्लीकेबल है, यानी आप दो होम लोन ऑलरेडी ले चुके हैं, आप तीसरे या चौथे घर के लिए होम लोन ले रहे हैं, तो उसे कमर्शियल रियल एस्टेट बोला जाता है। और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो जो एग्जिस्टिंग होम लोन इंटरेस्ट है उससे 1% ज्यादा होता है। दूसरा केस है मैक्स सेवर स्कीम। होम लोन में ही मैक्स सेवर स्कीम होती है, जिसका मतलब होता है आपको
ओडी फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाएगी होम लोन में, यानी जितना लोन आप यूज करेंगे सिर्फ उसी पे आपको इंटरेस्ट रेट पे करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 0.15% अंडर ईच स्लैब विल बी एप्लीकेबल बेस्ड ऑन क्रेडिट स्कोर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं जैसे इंस्टा व्हीकल लोन। इंस्टा व्हीकल लोन यानी तुरंत आपको व्हीकल लोन मिल जाएगा, और अगर आप होम लोन कस्टमर हैं, अगर आपका होम लोन 5 साल पुराना है तो आपको इंस्टा व्हीकल लोन के केस में 0.25% का कंसेशन मिलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट में। रक्षक अकाउंट्स हमने आपको पहले ही बता दिया कि किसको कहा गया है पंजाब नेशनल बैंक में, डिफेंस पर्सोनल के जो अकाउंट्स हैं यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सबको डिफेंस पर्सोनल कहते हैं, जो कि रक्षक अकाउंट्स कैटेगरी में आता है पंजाब नेशनल बैंक में। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक का होम लोन। होम लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्कस करते हैं। जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सिबिल बेस्ड रहेंगे, जितना अच्छा सिबिल आपका होगा उतना ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले देखते हैं लोन, दोस्तों जो भी लोन होता है आपका, लोन का अमाउंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट वो किस चीज पे डिपेंड करता है। पहला आपका सिबिल स्कोर, दूसरा अमाउंट ऑफ लोन, आपको कितना लोन देना है और उस लोन के अगेंस्ट आप कितनी सिक्योरिटी दे रहे हैं, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगर आपका 30 लाख तक का लोन है, दोस्तों ये देखिए, अगर आपका 30 लाख तक का लोन है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.95% से शुरुआत है 20% मार्जिन के साथ, और अगर आपका जो मार्जिन है वो 15-20% है, LTV यानी लोन टू वैल्यू अगर 80% से 85% है, 80-85% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7.10% रहेगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर 30 लाख से 75 लाख या 75 लाख के ऊपर है तो 7.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उन कस्टमर्स के लिए। पीएनबी प्राइड जो हमने आपको बताया, प्राइड कैटेगरी जो है आपका परमानेंट एम्प्लॉयज, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इन सबके जो परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, डिफेंस पर्सोनल हैं, उन सबके लिए है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम जो नॉर्मल हैं जनरल पब्लिक के लिए क्या रहेगा। दोस्तों इस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपकी सिबिल स्कोर जो है वो 750 या 750 से ऊपर है, आपका 30 लाख तक का लोन है, जो लोन टू वैल्यू है उसकी वैल्यू आपकी है 80%, तो 6.95% रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर लोन टू वैल्यू 80-85 है 7.10%। सिबिल स्कोर जैसे जैसे आपका कम होता जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बढ़ता जाएगा, 700-749, देखिए 715 और 725, और जैसे और कम हुआ आपका तो 740 और 750। सिमिलरली 30 लाख से ऊपर अगर आपको लोन लेना है तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होंगे। दोस्तों इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं टॉपअप लोन। टॉपअप लोन हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, जो ऑलरेडी होम लोन कस्टमर्स हैं बैंक उनको कुछ पैसा और ऑफर करती है जिसे हम टॉपअप लोन कहते हैं। टॉपअप लोन लेने के लिए आपका हाउसिंग लोन ऑलरेडी बैंक के साथ होना चाहिए। तो अगर आपको टॉपअप लोन लेना है, अगर वो टर्म लोन वाला फैसिलिटी चाहिए तो 8-15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ओडी फैसिलिटी के साथ चाहिए तो 9.15 का रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये भी दोस्तों सिबिल बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है पीएनबी मैक्स सेवर। मैक्स सेवर अभी हमने आपको बताया नॉर्मल होम लोन होता है ओडी फैसिलिटी के साथ, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के साथ, 7-10 से इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं पीएनबी का टू व्हीलर लोन, यानी अगर आप महिलाएं हैं आपको टू व्हीलर स्कूटी लेनी है, एक्टिवा लेनी है, 8.75 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। अगर आप सैलरीड हैं, आपकी सैलरी आती है, 9.55 से रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बाकियों के लिए 10.05। गोल्ड लोन, गोल्ड लोन आपने अपना सोना लेके जाना है बैंक के पास, बैंक उसे गिरवी रखेगा, उसका वैल्यूएशन करवाएगा
और उसके बेसिस पे आपको लोन दे देगा। दोस्तों गोल्ड लोन बहुत ही जल्दी प्रोसेस हो जाता है, विदिन 2 to 3 hours आपका गोल्ड लोन प्रोसेस हो जाता है, आपके खाते में पैसे आ जाते हैं। टर्म लोन की तरह अगर आपको चाहिए तो 8.75, 8.75, ओडी फैसिलिटी की तरह चाहिए तो 9%। दोस्तों बैंक आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB जो होता है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अगेंस्ट भी लोन दे देगा। अब ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होते हैं, ये पेपर फॉर्म में गोल्ड होता है जो RBI इशू करता है, RBI बॉन्ड्स इशू करता है गोल्ड बॉन्ड्स, इसे हम कहते हैं पेपर फॉर्म ऑफ गोल्ड। तो अगर आप ये गिरवी रखते हैं बैंक के पास तो 7.95% से गोल्ड लोन की स्टार्टिंग है। मॉर्गेज लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, आप अपनी प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखिए, उसके अगेंस्ट बैंक आपको लोन दे देगा। ओडी फैसिलिटी की तरह चाहिए 9-20 से 10-30 के बीच, टर्म लोन की तरह चाहिए 8-70 से 9-80 के बीच। पर्सनल लोन फ्लैट 8.95% है, प्राइड कस्टमर्स के लिए सिबिल नहीं देखी जाएगी, बाकियों के लिए सिबिल स्कोर देखा जाएगा, 8.95% से स्टार्टिंग होगी। लेकिन जो हमारे प्राइड कस्टमर्स हैं उनके लिए फ्लैट 8.95% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों इस समय बैंक्स में COVID-19 पर्सनल लोन भी दिया जा रहा है, हर बैंक की हमने वीडियो अपने चैनल पर कवर की है, तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है और आपको COVID-19 पर्सनल लोन लेना है तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। नेक्स्ट है पर्सनल लोन फॉर डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपके लिए स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 9.95 से रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट है पर्सनल लोन के लिए। एजुकेशन लोन, एजुकेशन लोन के बहुत सारे वेरियंट्स हैं पंजाब नेशनल बैंक में, सरस्वती, प्रतिभा, उड़ान, होनहार, यानी डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, इंडिया में, बाहर जाके किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स, इन सब चीजों पर डिपेंड करेगा। 7.55 के रेट ऑफ इंटरेस्ट से स्टार्ट हो जाएगा एजुकेशन लोन आपका। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सरकारी स्कीम है दोस्तों बिजनेस शुरू करने के लिए या बिजनेस की एक्टिविटीज को कैरी ऑन करने के लिए। तीन तरह से मिलता है, शिशु लोन 50,000 तक, तरुण 50,000 से 5 लाख, और किशोर जो है वो 5 लाख से 10 लाख। 8.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट शुरू होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में। जो बाकी हैं PNB के प्रोडक्ट्स, उसके लिए आप PNB बैंक की हमारी जितनी भी वीडियोस हैं हमारे चैनल पर वो देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं, सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी सारे लोन प्रोडक्ट्स की हमारे चैनल पे। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए pnbindia.in को आप विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी, बाकी दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।